Hey everyone and welcome back to my channel Campus Darshan। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो जी हाँ, अभी तक काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी कि जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स कब से होने वाले हैं और OBE मोड होगा या फिर आपको ABE के थ्रू प्रमोट कर दिया जाएगा जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को किया गया है। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना नया कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो रिलीज़ हो चुका है फॉर बैच 2020 to 2021। तो अगर इस कैलेंडर की बात करी जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस जैसे कि स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से 2021 से, और आपके क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी। ये मैं सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, इवन सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। और आपकी क्लासेस सस्पेंड हो गई थी फ्रॉम 4 मई 2016 में। ये कोविड की वजह से आपके क्लासेस को सस्पेंड किया गया था एक हफ्ते के लिए उस टाइम पे। अब आपको प्रिपरेशन के लिए ब्रेक दिया जाएगा और साथ में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे फ्रॉम 3 अगस्त to 11 अगस्त। जी हाँ, तो मतलब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम्स की डेट दी गई है इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग फ्रॉम 12 अगस्त to 24 अगस्त। तो मतलब आपके ABE के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप लोगों को OBE देना है जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था। फिर आपका सेमेस्टर ब्रेक रहेगा फ्रॉम 25 अगस्त to 30 अगस्त, एंड आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा 31 अगस्त से। तो आपको ये थोड़े से दिनों की छुट्टी मिलेगी अपने सेकेंड सेमेस्टर के बाद, एंड फिर आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। जी हाँ, आप सीनियर बन जाएंगे बिना कॉलेज में गए हुए। तो आपका ये कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट ईयर का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड ऐसे ही DU की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।